मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिसेसिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। जीवन रक्षा के माध्यम से अभी तक मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और जन जागृति वाले वीडियोस आपके सामने पेश किए हैं, जिसमें कोरोना और ब्लैक फंगस और अनेक विषयों पर मैंने आपसे बात किया है। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को काफ़ी सराहा है, और उसी से स्फूर्ति लेकर मैं फिर से आपके सामने कुछ नए टॉपिक्स पेश कर रहा हूँ। मित्रों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड में फॉरेन बॉडी इन आई। फॉरेन बॉडी का मतलब है ऐसा पार्ट जो हमारे शरीर का नहीं है, जैसे कहते हैं हम फॉरेनर, फॉरेनर मतलब दूसरे देश का, वैसे ही फॉरेन बॉडी का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो हमारे शरीर का नहीं है, बाहर की वस्तु। मित्रों, आंख के अंदर अगर कोई भी फॉरेन बॉडी चले जाती है, मानो कचरा चला गया, कोई इंसेक्ट कीड़ा चला गया, कोई कंकर चला गया, या कोई व्यक्ति मशीन पर काम कर रहा है और काम करते समय उसके आंख में कोई कांच या कोई लोहे की चीज चली गई, एक्सीडेंट में आंख में कोई फॉरेन बॉडीज चली गई, यानी किसी भी वजह से अगर हमारे आंख को क्षति पहुंचती है किसी फॉरेन बॉडी से, तो उस समय हमारा रोल क्या रहना चाहिए, इस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो फॉरेन बॉडी इन आई, जब भी कोई बाहर की वस्तु आंख में जाती है तो लक्षण क्या आते हैं? तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आंख में कोई भी चीज गई तो एकदम आंख लाल हो जाएगी, रेड हो जाएगी, आंख से पानी गिरने लगेगा और आंख में चुभन होगी, दर्द, चुभन, रेडनेस एंड वाटरिंग। तो ये सब चीजें फॉरेन बॉडी से होती है। अब ऐसे समय हमको डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, ये दोनों चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डूज, क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट एड में हमें तुरंत उस आग के ऊपर एक कपड़ा रख के आग को बंद करके रखना चाहिए। आग पर क्लोज द आई, कीप इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक हमें आग बंद करके रखना है। कोई भी स्वच्छ कपड़ा आग के ऊपर रखिए, आग को बंद करिए। अलॉन्ग विद द टीयर्स, अश्रुओं के साथ बहुत बार वो फॉरेन बॉडी वॉश आउट हो जाती है। 5 मिनट में वो फॉरेन बॉडी वॉश आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। उसके बाद आंख को खोलकर देखिए, अगर आंख रेड है, लाल है, और आंख में कहीं पर कोई चीज फॉरेन बॉडी नजर आ रही है, बाहर निकली नहीं है लेकिन आंख के अंदर अभी भी चुभन है, तो हमें तुरंत एक सॉसर के अंदर, एक प्लेट के अंदर पानी लेना चाहिए और उस पानी में आंखों की पपनियों को खोलना बंद करना ये करना चाहिए। तो आंखों की पपनियों को खोलना बंद करना करने से कई बार किसी कॉर्नर में अगर फॉरेन बॉडी होगी तो वो वॉश आउट हो जाएगी, जो अश्रुओं से नहीं हुई है। इसके बाद अगर ऐसा दिख रहा है कि कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, आंख में हमने देखा आंख में भी कुछ नहीं है, सिर्फ आंख लाल है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो फॉरेन बॉडी आंख में गई और निकल गई, हमें दिखी नहीं लेकिन आंख में चुभन सी है। तो वो जो इन्फ्लामेशन है आंख के अंदर, जो रेडनेस है, वो जाने को कुछ समय लगेगा। तो हमको वहां पर क्लोरोमाइसिटिन आई अप्लीकैप, ये क्लोरोमाइसिटिन आई अप्लीकैप ये हमने आंख में स्क्वीज कर देना चाहिए और आंख के ऊपर रुमाल रख के आंख को बंद कर देना चाहिए। एक 10 से 15 मिनट ऑइंटमेंट डालने के बाद आंख को बंद रखिए। उसके बाद में भी अगर तकलीफ है तो हमें तुरंत आंख के डॉक्टर को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके मिलना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। ये हो गया सब डूज। इसके बाद मित्रों डोंट्स, डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डोंट्स में सबसे पहली चीज है डोंट रब द आई, आपको मलना नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन बॉडी आंख में गई है वो मालूम नहीं क्या है, अगर कंकर होगा, कांच का टुकड़ा होगा, आपने आंख मल दिया अननोइंगली, तो वो कॉर्निया के ऊपर, मतलब ये काला जो पर्दा हमारे आंख में दिख रहा है बीच में, वो कॉर्निया है, मतलब दृष्टि पटल, उसके ऊपर अगर वो फॉरेन बॉडी घस गई तो बहुत बार वो व्यक्ति को ब्लाइंडनेस भी आ सकता है, अंधत्व आ सकता है, इसलिए आंख को मलना नहीं है।
दूसरा है आंख में फूकना नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत चीज प्रचलित है कि कुछ भी आंख में गया है तो दूसरा व्यक्ति उसकी आंख खोलकर उसमें जोर से फूकता है। मित्रों बिल्कुल नहीं, अगर हम आंख में फूकते हैं तो अगर हमारी फूक बहुत जोर से अगर हमने मार दिया तो कई बार कॉर्निया डैमेज हो सकता है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति आंख में फूक रहा है उसे अगर कोई बीमारी होगी, उसे कोई डिसीज होगा, तो बहुत बार वायरस ये आंख के जरिए से हमारे ब्लड में पहुंच के हमें वो बीमारी हो सकती है। कोरोना में हमने देखा है लोगों ने आंख के ऊपर चश्मा लगाया, आंखों के ऊपर फेस शील्ड लगाई चेहरे के ऊपर, क्योंकि आंख में से भी वायरस ब्लड में तुरंत पहुंच जाते हैं, इसलिए आंख में किसी को फूक मारने मत दो। तीसरी चीज, अगर वहां पर फॉरेन बॉडी एम्बेडेड होगी, एम्बेडेड मतलब वहां पर कोई चीज जाके फंसी होगी, बहुत बार कांच का टुकड़ा आंख के अंदर दिख रहा है, आईबॉल के अंदर फंसा हुआ है, डोंट पुल द एम्बेडेड फॉरेन बॉडी। जो फंसे हुई वस्तु है, फंसे हुई फॉरेन बॉडी है, उसको खींच के निकालो मत। बहुत बार हमको टेम्पटेशन होता है कि उसको हम खींच के निकाल लें, गलती मत करना। अगर आपने वो फॉरेन बॉडी खींच के निकाल ली तो बहुत बार उसके साथ कॉर्निया मतलब दृष्टिपटल भी बाहर आ जाएगा या डैमेज हो जाएगा और फिर वो व्यक्ति को अंधत्व आ सकता है। इसलिए अगर एम्बेडेड फॉरेन बॉडी है, आंख में कोई चीज फंसे हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो। आंख में क्लोरोमाइसिटिन आई एप्लीकैप आप डाल दो, आंखों के ऊपर एक स्वच्छ कपड़ा रख के उस व्यक्ति को जितने जल्दी हो सके आई सर्जन के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। इस तरीके से हमने डोंट्स देखा है। मित्रों आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करिए, जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। Thank you.